नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में बिष्ट जी देहरादून से। दोस्तों आज हम चलेंगे एक बहुत ही प्रसिद्ध पिकनिक स्पॉट पे जिसका नाम है सहस्त्रधारा। ये सहस्त्रधारा अपने आप में इसमें क्या क्या चीज़ है, इसमें क्या रहस्य है, मैं वहीं पहुंचकर आपको दिखाऊंगा। सीज़न इसका मार्च से जून तक रहता है और बहुत ही बेहतरीन एनवायरनमेंट रहता है। लोग इतने भीड़ होती है वहाँ पर और बिल्कुल जगह नहीं मिलती। चलते हैं हम सहस्त्रधारा और दिखाते हैं आपको कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या होता है। चलें, चलो। तो दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ मेरे प्यारे भैया के साथ सहस्त्रधारा, और सहस्त्रधारा का ये मुख्य द्वार है। और यहाँ पर देखो हमारे स्वागत के लिए कौन खड़े हैं। हाँ बेटा, हमें लौंडे क्या बात हो गई है। कौन भाई, कौन चाहिए ये। चलो, बहुत ज़्यादा ठंड हो रहा है, लेकिन ठंड हो रही थी बहुत ज़्यादा यहाँ पर, ठंड हो रही थी। पहले मैं टी शर्ट में था, आपने देखा था शायद मुझे अभी थोड़ी देर पहले, तो मैंने जैकेट पहन ली है और मैंने एक ये टोपी खरीद ली अपने लिए, इसको मैं अब पहनूंगा। लेकिन मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये है मुख्य द्वार सहस्त्रधारा का, और हमारे स्वागत के लिए ये खड़े भाई भाई। आ हा हा, हेलो हेलो। ले इसके लिए कुछ छोटा बेबी, वो बेबी बेबी बेबी, वो इस बेबी को मत। और ये हमारे बिष्ट जी ने यहाँ पे अपना बहुत बड़ा दिल दिखाते कमाल कर दिया, बाय गॉड। तो ये मुख्य द्वार कहा जाता है कि जो गंधक के पानी से जो नहा लेता है या अपनी बॉडी में उस पानी को कंज्यूम कर लेता है, तो उसको स्किन डिजीजेस मतलब चर्म रोग से उसको निजात मिल जाती है। तो आइए मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो ये वो पहाड़ है सहस्त्रधारा का, जहाँ पे गंधक का पानी अपने आप ही न जाने पता नहीं कहाँ से आता है, और उसकी स्मेल अगर आप करोगे, मैं आपको स्मेल तो नहीं करा सकता, लेकिन गंधक के पानी को अगर हम लोग अपने ऊपर अगर उससे हम नहाते हैं या फिर उसका पानी टच भी करते हैं अपने स्किन के लिए, वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। लोग यहाँ पे जैसे गंगा मैया का पानी ले जाते हैं हरिद्वार में, वैसे ही सहस्त्रधारा में जो ये स्रोत है गंधक का, आप मेरे सामने देख रहे हैं, तो इससे नहाने से या वो कई रोगों से मुक्त हो जाता है, इससे नहाने से ही कई रोगों से मुक्त हो जाता है। तो ये वो है, ये प्राचीन मंदिर भी है हमारे सामने, और अभी तो ये ऑफ सीजन चल रहा है, यहाँ का ऑफ सीजन चल रहा है, बट फिर भी यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट आ रहे थे। मुझे लगता है ये टूरिस्ट सब हमारे देहरादून का ही होगा, है ना भैया। आप लोग देहरादून से हैं? गुजरात, अहमदाबाद। गुजरात से? अरे बहुत बढ़िया। तो आप लोगों को कैसा लगा यहाँ? बहुत बढ़िया, फर्स्ट टाइम आया।
आपने वो तालाब में स्नान कर मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर जो तालाब में आई बहुत ज़्यादा जो जब लोग आते थे यहाँ पर तो वो लोग कहते थे कि जो गंधक का पानी है उन लोगों को मिल नहीं पाता है, तो उसके लिए यहाँ पर एक पाइपलाइन के जरिए अगर आप ये देख रहे हैं इधर पे तो उस पाइपलाइन के जरिए यहाँ पर एक पाइप है, गंधक का पानी डायरेक्ट आपको पहाड़ से मिल रहा है। अगर आप इसमें नहा लेते हैं पूरे के पूरे, ये एक छोटा सा स्विमिंग पूल है, एक छोटा सा स्विमिंग पूल है, अगर आप इसके अंदर जाते हैं। भाई मैं तो कई बार जा रखा हूँ इसीलिए मैं तो अभी जाऊँगा नहीं क्योंकि सर्दियाँ भी बहुत ज़्यादा हो रही है, ठंड का मौसम है, तो मैं इसके अंदर बहुत बार जा रखा हूँ। तो अचानक यहाँ पे ठंड बढ़ने के वजह से मुझे टोपी खरीदनी पड़ी और ठंड बहुत ज़्यादा है। मैं जब आपको इंट्रोड्यूस करा रहा था उस समय धूप आ रही थी, लेकिन जैसे ही हम सहजधारा में एंटर करें तो यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा है। अब मुझे लग नहीं रहा, मैंने टोपी पहन ली है। सर आप लोग कहाँ से आए? हम लोग कानपुर से आए। हाँ जी कानपुर से। अरे अंकल लोग ये कानपुर से आ रखे हैं, और आप लोगों को कैसा लगा? बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। तो सर ये तो इसमें नहा करके भी हम कपड़े पहन रहे हैं, बहुत बहुत सुंदर पानी है जल इसका। बताते हैं कि इससे जो शरीर के काफी जो चर्म रोग है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, स्नान करने से बिल्कुल नष्ट हो जाते, बिल्कुल नष्ट हो जाएंगे सारे चर्म रोग आपके नष्ट हो जाएंगे यहाँ के पानी से। और ये पानी पहाड़ों पानी है, ये मैं खुद, मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो उस समय मैंने ये लोटे से पानी लेके ना अपने उसमें रखा और मैं एक बोतल में भी लेकर गया। अगर आप लोगों के पास बोतल नहीं है, नहीं हम ये ले जा रहे हैं, ये आप लेके जाइए और पानी में थोड़ा सा इसको डाल के, जैसे हम गंगा जल डाल के अगर आप करेंगे ना बहुत बेस्ट है, मेरा तो खुद का अपना एक्सपीरियंस है। चलो बहुत बढ़िया सर, आप लोग बढ़िया। हाँ भाई क्या बेच रहा है? वो लौंडा हम नहीं खा रहे यार, चल खा लेंगे यार फिर आपको। क्या है चने और भेलपूरी तो मिक्स करते ना भाई? बहुत ही बढ़िया माहौल है यहाँ पर। भाई है, भाई क्या नाम है? रोहित। तो तुम यहीं पर ऐसे ही घूमते रहते हो क्या? हाँ हाँ, सीजन में भी यही इसी गांव से हो गए तुम भी? हैं बरेली से आ रखा लौंडा, बढ़िया काम कर रहा। तो तुमने हमारे लिए क्या बनाया? ये है बेल पूरी बना दी भाई ने, बहुत बढ़िया भाई। चना भी डाला, मूंगफली भी डाली है, चना जोर से बहुत भाई, बहुत बढ़िया बना दी। कितने की है भेलपूरी? भेलपूरी भी बस दादी की बनाते हैं। बहुत ही बढ़िया, 20 रुपये की है। पैसे आप भूल लीजिए सर, ये प्रेस लिए छोटा मोटा काम कर लेते हैं। वैसे मेरे दो होटल हैं यहाँ पे, वैसे मेरे दो होटल हैं देहरादून में, टैक्सी का भी काम है और छोटा मोटा ये भी। क्या है कि थोड़ा सा जान पहचान बढ़ती रहे हम लोगों से। नाम आपका? भाई चम्मच। और ये हमारे सेठ जी है। जी जी। पूरा नाम ये क्या? राजेश कौशल। अच्छा, मैं मुकेश। मुकेश, बहुत बढ़िया लगा सर, आप लोग आते रहिए। राजस्थान से बताया था, सॉरी कानपुर से आप लोग। लोगों ने शायद देहरादून और भी एक्सप्लोर करा होगा। कहाँ कहाँ गए आप? अच्छा आज ही आए। और आप लोग रुके कहाँ पर हो? इंदिरा नगर, बसंत विहार। अच्छा बसंत विहार, बहुत बढ़िया। एक शादी में आए हम लोग। अरे बहुत बढ़िया सर, और आप लोगों ने ये बहुत बढ़िया करा, शादी में भी आए और आप लोगों ने समय निकाल कर यहाँ पर आके। ऐसे ही होता है सर, अब शादी में तो जैसे हम भी जाते हैं, बिजी शेड्यूल रहता है, लेकिन कभी
समय निकाल कर उस जगह को पहचानो, वो सबसे बड़ी बात। जी हाँ जी, हमारे देश की जो अच्छी अच्छी जगह है, हाँ जी हाँ जी, है ना, उनसे परिचित तो हो। बिल्कुल सर, छोटी छोटी जगह ना हम लोग मिस कर देते हैं। अपने बच्चों को बताएंगे। बिल्कुल सर, फिर वो आएंगे। सर मुझे लगता नहीं कि ये इंडिया में कहीं और भी है। कहाँ है, कहाँ पे सर है? उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में होगा, टंकी बनी उसके नीचे। नहीं नहीं, उत्तराखंड के अलावा मैं ये जाना। उत्तराखंड के अलावा? हाँ, उत्तराखंड के अलावा नहीं है। यमुना भी पानी ऐसी है। हाँ जी, यहाँ का पूरा दिखा दूंगा। यहाँ पे जैसा कि अगर आप यहाँ से देखेंगे तो एक स्विमिंग पूल टाइप का ना एक स्टेज बना रखा है पूरे सहस्त्रधारा में ऊपर से, और ड्रोन की सेटिंग आप देख लेना, शायद किसी यूट्यूबर ने डाला होगा या मुझे पता नहीं। और मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा आज, और मेरे काफ़ी सारे दोस्त भी बन गए हैं इंसानों से अलग। तो बहुत बढ़िया रहा। ऊपर तक देख रहे हैं अभी दोस्त। हाँ, इस ब्लॉग को दोस्त ऊपर तक देख रहे हैं। हाँ चलो ठीक है, इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग यहीं ख़त्म करता हूँ सहस्त्रधारा का। अगर कुछ कमी पेशी होगी तो मैं अगले ब्लॉग में भी दिखा दूंगा। ये मेरा एक छोटा सा एक विजिट था। तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। जय हिंद, जय देहरादून, बाय बाय।